खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेशीय सीनियर पुरुष एवं महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि एडीजी श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के द्वारा किया गया। RSO सुनील चंद्र जोशी ने बुके भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ से कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन से खेलों को बढ़ावा मिलेगा। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। स्कूली शिक्षा के साथ बच्चों के लिए खेल आवश्यक है। RSO सुनील चंद्र जोशी ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न मंडलों के 150 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को प्रतियोगिता का समापन होगा। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को सरकार की ओर से नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम है। इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्त्री महिला पुरुष जिम्नास्टिक प्रतियोगिता इसका अभी शुभारंभ हुआ। श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ IPS ADG आगरा जोन ने किया। इसमें प्रदेश भर के लगभग 150 प्लेयर प्रतिभाग कर रहे हैं और इसका समापन 18 तारीख को किया जाएगा। और इसमें नगद पुरस्कार की व्यवस्था है। सभी खिलाड़ियों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है 1800-600। नहीं, सभी खिलाड़ी प्रदेश के हैं। हमारे सभी मंडलों खिलाड़ी हैं। ये प्रदेश स्त्री महिला पुरुष प्रतियोगिता है। पूरा जितने हमारे मंडल हैं उत्तर प्रदेश में सभी मंडल प्रतिभाग कर जी। आज ये मंडलीय स्तर पर सभी मंडल की जो पुरुष और महिला जिम्नास्टिक कंपटीशन है उसके उद्घाटन समारोह में मैं आमंत्रित हुई और यहाँ पर 130 बच्चों को देखकर मैं बहुत ही हर्षित हूँ कि इस तरह का स्पोर्ट्स का हम एक आयोजन कर रहे हैं और बच्चों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स एक हमारे जीवन का बहुत ही अहम अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है। और बच्चों को न केवल स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करने की ज़रूरत है पर स्पोर्ट्स और क्रीड़ा में भी अव्वल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आज इतनी तादाद में बच्चों को देखकर छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक की बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ के आयोजक, जो रीजनल क्रीड़ा अधिकारी, जो स्पोर्ट्स अधिकारी और जितने भी यहाँ पर आयोजक हैं उन सभी को बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक क्रीड़ा उत्सव ऑर्गेनाइज किया। और जो बच्चों का प्रदर्शन रहा जिम्नास्टिक्स का वो बहुत ही बेहतरीन और उच्च कोटि का था। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और सभी आयोजकों को भी बधाई देना चाहूँगी। आई एम ट्रूली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू।